दुनिया भर में आज नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लोग तरह तरह के नए साल का स्वागत कर रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पवई में भी लोगों ने नववर्ष पर पन्ना जिले की प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर नववर्ष का स्वागत किया। विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित हनुमान भाटे और पत्नी नदी के किनारे विराजमान माँ कलही देवी बाबा कैलाशी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस अधीक्षक का पन्ना धर्मराज मीणा भी माता के मंदिर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पवई के स्थानीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, PWD के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी जगह जगह ड्यूटी पर तैनात रहे। पन्ना जिले में पवई कस्बे में कलही माता के मंदिर और हनुमान भाटा इस पहाड़ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और हमारे पुलिस बल के साथ साथ फॉरेस्ट, होमगार्ड, ग्राम के कोटवार और अन्य विभागों के कर्मचारी और अधिकारी लगातार इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पत्रकार साथी और हमारे आशा कार्यकर्ता भी इस व्यवस्था में लगी है। तो हमारे साथ पवई नगर परिषद के अध्यक्ष बसंत दहाय जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या नववर्ष के एक दिवसीय मेले को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से की गई हैं और कितने श्रद्धालुओं की आने की यहाँ पर संभावना है। जी बताएं। ये जो मेला लगता है, ये एक दिन का मेला लगता है और बहुत कम से कम 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ सब प्रकार की व्यवस्था कर ली गई है नगर पंचायत की ओर से। पानी की व्यवस्था है, जल व्यवस्था है और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन एकदम टाइट है और सभी वन विभाग का सहयोग है, सभी प्रकार के कर्मचारियों का, जनपद का सहयोग है, पंचायत का सहयोग है, सभी प्रकार के जनप्रतिनिधियों का सहयोग है और हमारे जो मित्र बंधु है शहर के, ये जो टीम खड़ी है देख रहे हैं इसको, ये पूर्णतः कल से चल रही है और कल से ये दोनों टाइम देख रहे हैं कि किसी प्रकार किसी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नववर्ष पर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नववर्ष पर सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को मैं तो यही कामना करता हूँ कि सबके सुख समृद्धि हो, सबके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और नए वर्ष में उनके दिन और तरक्की हो, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। MKN न्यूज के लिए पवई से अनूप शुक्ला।